नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आज पर्फ्यू दुकानदार इकट्ठा होकर पहुंचे। इन दुकानदारों का कहना है कि सदर बाजार क्षेत्र में सड़क के किनारे खाने पीने के सामान की अपनी दुकान लगाते हैं। एक एनजीओ के संचालक के द्वारा इन सभी दुकानदारों से गुंडा टैक्स की मांग की गई है। इन दुकानदारों ने एनजीओ के संचालक को गुंडा टैक्स देने से मना कर दिया तो उसने इन सभी लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने और व्यवसाय न करने की धमकी दी है। ये सभी दुकानदार डरे हुए हैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां एक शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए एनजीओ के संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो झांसी का ही पूरा मामला है, जहां पर पटरी दुकानदार परेशान हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुल्तान आब्दी मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुल्तान, एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि झांसी में इस तरह से लगातार दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है, जो कि पटरी दुकानदार है, रेहड़ी पटरी लगाते हैं। जी, मैं आपको बता दूं, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की दिली भगत से लोगों को मजबूर किया जाता है। कुछ लोग फर्जी रूप से शिकायतें करते हैं कि, और सारे ही गरीब लोग मजदूर लोग हैं जिनकी शिकायतें की जा रही है। पटरी दुकानदारों का उत्पीड़न होता है, पूरे महानगर में पटरी दुकानदारों का उत्पीड़न किया जा रहा है। देखने सुनने वाला कोई नहीं है इस चीज को। इसके बाद ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं, वहां पर एक शिकायती पत्र भी दिया है, क्या आश्वासन मिला? पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जांच कराई जाएगी, उसके आसपास ये दिया गया। लेकिन सवाल ये होता है कि अगर गरीबों की ही शिकायत की जाती है, गरीबों के ही रोजगार को क्यों छीना जाता है? सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल। और एनजीओ के संचालक है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेने की बात यहाँ पर कही गई है? क्योंकि एक नहीं, दो तीन बार ये तस्वीरें सामने आई है, जहाँ पर दुकानदार लगातार शिकायत करते रहे हैं कि एनजीओ के संचालक हैं, वो दुकानदारों से गुंडा टैक्स की मांग करते हैं और ना देने पर उन्हें धमकाते हैं, मारने की धमकी देते हैं, व्यवसाय ना करने की धमकी देते हैं, मुकदमों में फंसाने की धमकी देते हैं। प्रशासन क्यों आंखें मूंदे बैठा है? प्रशासन केवल आग बंद कर लेता है, केवल जांच का आश्वासन देके पल्ला झाड़ लेता है। सत्यता ये है कि इसमें अगर दुकानदार दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, एनजीओ संचालक दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल पटरी दुकानदारों को जनपद में टारगेट बनाया जाता है उनके रोजगार छीनने के लिए। आखिर उनका रोजगार छीनेगा तो वो जाएंगे कहाँ? चलिए ठीक है सुल्तान, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो झांसी का यह पूरा मामला है, जहां पर पटरी दुकानदारों ने, जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं, उन्होंने एक एनजीओ के संचालक के खिलाफ एक कंप्लेन दायर की है। और शिकायती पत्र में कहा गया है कि जो एनजीओ के संचालक हैं, वो दुकानदारों को धमकाते हैं, डराते हैं, धन उगाही की मांग करते हैं और अगर पैसा नहीं देते तो फिर उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देते हैं। श्रावस्ती में 3 दिवसीय जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया गया, जहां अध्यक्ष ददन मिश्रा, विधायक रामफेरिन पांडे और डीएम नेहा प्रकाश ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये इन्वेस्टर समिट कलेक्ट्रेट स्थित तथागत हॉल में आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि जिले में 85 निवेशक और करीब करीब कहा जाए तो 2000 से ज्यादा करोड़ का निवेश हुआ है। साथ ही जिले के 9308 लोगों के लिए रोजगार सृजित होगा। वहीं कार्यक्रम स्थल पर कई विभागों ने अपने अपने स्टॉल भी लगाए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर कृषि विभाग ने भी यहां स्टॉल लगाया है। श्रावस्ती की तस्वीरें, जहाँ पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। यहाँ जो जिले अध्यक्ष हैं उन्होंने और विधायक हैं और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इन्वेस्टर समिट जो है वो श्रावस्ती को और ज़्यादा बूस्ट देने के लिए किया गया है, ताकि वहाँ पर रोजगार और ज़्यादा बढ़ सके, निवेश जो है वो आ सके, ताकि ज़िले में जो विकास की गति है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ सके। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि करोड़ों के निवेश के साथ साथ 9308 लोगों के लिए रोजगार सृजन करना एक मकसद है। कार्यक्रम स्थल पर कई विभाग के स्टॉल्स सुंदर सुंदर दिखाई दिए हैं। वहीं श्रावस्ती में बीती शाम अज्ञात वाहन ने युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर पहुंचे मलहीपुर SHO ने घायलों को CSC पहुंचाया। वहीं 18 वर्षीय युवक के सर पर गंभीर चोट देख डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने कोहराम मच गया। मामला मलहीपुर क्षेत्र के भेला गांव का बताया जा रहा है। तो श्रावस्ती की तस्वीरें, जहां पर बीती रात अज्ञात वाहन ने दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर पहुंचे मलहीपुर SHO ने घायलों को CSC पहुंचाया, लेकिन जो युवक था, एक उसके सर पर गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन आज सुबह युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। ये पूरा मामला जो है वो मलहीपुर क्षेत्र के भीला गाँव का बताया जा रहा है।
चलिए आगरा का रुख कर लेते हैं, जहां पर जवाहर पुल पर ट्रक में कार फंस गई। जानकारी के मुताबिक ट्रक 500 मीटर तक कार को घसीटता चला गया, जिसकी वजह से कार और ट्रक में आग लग गई। कार में सवार तीन लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरें आपके सामने, हालांकि देर रात की तस्वीरें हैं आगरा की, जहां पर जवाहर पुल पर ट्रक में कार फंस गई थी और जो ट्रक है वो 500 मीटर तक कार को खींचते हुए ले गया, जिसकी वजह से कार और ट्रक में भीषण आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार में सवार तीन लोगों ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई है। वहीं आगरा में G20 समिट को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। आज G20 समिट को लेकर 20 से ज्यादा टीम समिट के लिए रवाना हुई। टीमें आगरा CMO आवास से रवाना हुई हैं, जिसमें कई विशेषज्ञ डॉक्टर कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई। साथ ही 3 प्राइवेट अस्पताल को हायर किया गया है। कई होटल्स में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगाई गई है। इसके साथ ही कोविड हेल्प डेस्क भी लगाए गए। मामले की जानकारी आगरा CMO अरुण श्रीवास्तव ने दी है। ये समय हम लोग SOP के आधार पर हम लोग को जहाँ पर हमारे अतिथि आएंगे वहाँ पे अस्थाई चिकित्सालय एक बनाना है 2 बेड का, जिसमें सारे विशेषज्ञों की टीम रहेगी। इसके अतिरिक्त तो वहाँ पे ALS की सुविधा रहेगी। एयरपोर्ट, ताजमहल और जो हमारा आगरा फोर्ट है, इसमें हम लोग ALS की व्यवस्था कर रहे हैं। जो फ्लीट्स रहेंगी, फ्लीट्स के अलावा जो बहुत सारी जो हमारे स्टैटिक पॉइंट्स भी 5 हम लोग ने बनाए हैं, वहाँ पे भी एम्बुलेंस की टीम चिकित्सीय टीम के साथ रहेगी और ये हम लोग 24 आवर्स अपनी चिकित्सा जो भी सुविधा है वहाँ पे उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त जो निजी चिकित्सालय हैं 3, वहाँ पे भी हमने रिजर्व करा रखे हैं 5 ICU बेड और जनरल बेड, और 2 जो सरकारी हैं मेडिकल कॉलेज और DHA जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी 1 वार्ड और 1 ICU बिल्कुल सुरक्षित है। किसी भी चिकित्सीय आकस्मिकता के लिए वो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। ये 3 चिकित्सालय हैं जो जिधर कार्यक्रम हो रहा है उनके आसपास क्षेत्रों के हैं, उनको हम लोग ने चिन्हित करके वहाँ हमारी टीम भी है और एम्बुलेंसेस भी उपलब्ध हैं और वो लोग अलर्ट हैं, किसी भी दिक्कत में तो तत्काल उनकी सुविधा उपलब्ध होगी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी RK तिवारी मेरे साथ आगरा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। RK तिवारी, G20 समिट को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है, आगरा में अनोखा नजारा देखने के लिए मिल रहा है, काफी दिनों से तैयारियां जो है जोरों शोरों पर चल रही है, कैसी तस्वीरें? देखिए काजल, बताना चाहूंगा G20 की मेजबानी को लेकर ताज नगरी पूरी तरह से तैयार है। आगरा प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है, आगरा को सजाया संवारा गया है। आगरा में प्रत्येक विभाग इस समय सड़क पर है, क्योंकि कुछ समय बाद ही जो डेडिकेट आगरा पहुंच रहे हैं उन्हें एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की बात करें या पुलिस प्रशासन या फिर आगरा प्रशासन जिला प्रशासन की, सभी सड़कों पर है, जगह जगह पर सांस्कृतिक प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, स्कूली बच्चों को सड़क पर लगाया गया है, हाथों में तिरंगा लेकर खड़े हुए हैं उनकी मेजबानी करने के लिए। तो प्रत्येक चौराहे पर पुलिस फोर्स यानी सुरक्षा व्यवस्था भी बिल्कुल RK तिवारी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहे हैं। देखिए जिस तरह से कोरोना काल हमने देखा 2020, 2021, 2022 में भी कहीं ना कहीं लोग एक बार के लिए डर गए थे, लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लेकिन फिर भी अलर्ट है, क्योंकि कई विदेशों से कई मेहमान आएंगे, मेजबानी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश इसमें बहुत आगे है, आगरा में खासकर, क्योंकि पर्यटक स्थल है, ताजमहल का दीदार करने के लिए सभी आते हैं। तो ऐसे में कई प्राइवेट जो अस्पताल हैं उन्हें भी हायर किया गया है। कितनी ज्यादा यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या व्यवस्था है? देखिए स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो कोरोना को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग सजग है, क्योंकि आगरा में तमाम कोविड हेल्प डेस्क वो बनाई गई है, 30 से अधिक टीमें स्वास्थ्य विभाग की है वो जगह जगह पर तैनात की गई है, कई जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको हायर किया है और आधुनिक उपकरणों के साथ जो डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी ड्यूटी तैनात की गई है, और जिस होटलों में ये रुकेंगे वहां भी तमाम एम्बुलेंस की व्यवस्था, विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी व्यवस्था स्टाफ के साथ लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आगरा का है। ठीक है,
बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आरके तिवारी। तो आगरा की तस्वीरें जहां पर सीएमओ आवास से टीम में रवाना हुई हैं। आपको बता दें कि G20 समिट को लेकर स्वास्थ्य विभाग आगरा में पूरी तरह से तैयार है मेजबानी के लिए। वहीं श्रावस्ती में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने दिन दहाड़े अधिवक्ता के घर को निशाना बनाया और लाखों के जेवरात समेत नकदी लेकर अफुचक्कर हो गए। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं दिनदहाड़े चोरी की घटना फैलते ही आसपास के लोगों में कोहराम मचा हुआ है। श्रावस्ती की तस्वीरें हैं जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े ही अधिवक्ता के घर को निशाना बनाया गया, लाखों के जेवरात समेत नकदी लेकर चोर फरार हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में तो जुटी है। वहीं दिन दहाड़े हुई चोरी से कहीं ना कहीं लोगों में कोहराम मचा हुआ है। सुबह आज हम जो है हमारे यहाँ ससुराल में शादी थी, तो मैडम जो है 10 बजे निकल गई, लड़का चला गया छोड़ने उनको, और ये लड़का चला गया 12 बजे स्कूल, और हम 10 बजे चले गए कचहरी अपने। इसके बाद में जब लड़का 2 बजे हमारा घूम कर आया ससुराल से मैडम को छोड़ करके, तो उसने बताया कि पापा जो है खिड़की उड़की टूटी पड़ी है, बक्सा बाहर पड़ा हुआ है। तो कचहरी से भाग कर हम 3-4 साथ में आए हैं यहाँ, तो देखे तो पूरा अंदर जितना सामान था सब उठा ले गए, और दरवाजा खिड़की तोड़ा पड़ा हुआ है। कैसे आए हो, कितना तोड़ा गया, क्या ले गए हैं? अब ले गए हैं जो है बक्से में जो है पायजेब था उनका, वाइफ का करधन था, और एक मांग की टिकिया थी, और 12-13 हजार रुपए नगद था उनका। वही आगरा में बेजुबान जानवरों के साथ अत्याचार लगातार जारी है। दरअसल कुछ दिन पहले महिला द्वारा कुत्ते को पटक पटक कर पीटने का एक वीडियो वायरल हुआ था। वही इस बार कुछ व्यक्तियों द्वारा बेजुबान जानवर को लाठी डंडों से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है, और प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक विशेष समुदाय के लोग लगातार बेजुबान जानवरों का उत्पीड़न कर रहे हैं। तो पूरा मामला आगरा पुलिस कमिश्नरेट के थाना मलपुरा का बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी आरके तिवारी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आरके तिवारी, लगातार हम देख रहे हैं कि आगरा में पशुओं पर अत्याचार रोकने का नाम नहीं ले रहा, एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला हैरान करने वाला आगरा थाना मलपुरा का है। इसमें बेजुबान जानवर को दो लोग लाठी डंडों से पीट रहे हैं, बताया जा रहा है इसकी मौत हो गई। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो आगरा पुलिस प्रशासन सख्त हुआ, और इसको आइडेंटिफाई करने के बाद दो लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास की जा रही है, क्योंकि या बेजुबान जानवर को मारना कतई उचित नहीं है, इसको लेकर पुलिस की आगरा पुलिस जो है वो सख्त दिखाई दे रही है। आगे दिवारी, लेकिन यहाँ अगर प्रत्यक्ष दर्शियों की हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं दबी आवाज में कह रहे हैं कि विशेष समुदाय के लोग हैं जो लगातार बेजुबान जानवरों का उत्पीड़न कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई, जो पड़ोसी है वो जो दबी जवान से ले रहे हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हीं लोगों का नाम सामने आया, और जो विशेष समुदाय के जो दो लोग हैं उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है। आगरा पुलिस ने दोनों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सकते हैं। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आगरा में सुदर्शन प्रेक्षागृह में यह आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ में कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट लेवल से लाइव टेलीकास्ट किया गया। इस कार्यक्रम में जिले से तमाम इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया गया है। इस इन्वेस्टर समिट में आगरा से कई करोड़ का करार हुआ। आगरा प्रशासन इसे धरातल पर और सफल बनाने का प्रयास कर रहा है। उधर इस समिट में शामिल हुए इन्वेस्टर्स भी इस कार्यक्रम को फायदे का बता रहे हैं। इस दौरान जनप्रतिनिधि, अधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज शुभारंभ हो रहा है। लखनऊ से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से वहां पर जो इनॉग्रेशन हो रहा है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी प्रदर्शित किया जा रहा है, और इस दौरान यहां पर भी हमारे काफ़ी इन्वेस्टर्स यहां पर आगरा जनपद के, उनको आमंत्रित किया गया है, और इस दौरान विभिन्न MOUs जो साइन किए गए हैं, आगे चलकर उन MOUs को ऑन ग्राउंड धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन और हमारे जो सभी इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएगा। उस टेलीकास्ट को आज यहां पर लाइव प्रदर्शित किया जा रहा है, साथ ही साथ सभी इन्वेस्टर्स को भी यहां पर आमंत्रित किया गया है। आज यहां आगरा में अपने जिले की इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। बहुत ही प्राउड और अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का माहौल है। लखनऊ में आज बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके मुख्यमंत्री जी वगैरह सभी वहां हैं, और बड़े बड़े इन्वेस्टर आए हुए हैं। बड़ी खुशी और हर्ष का विषय यह है
कि उत्तर प्रदेश जब से भयमुक्त माहौल हुआ है यहाँ हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से, उनकी नीतियों ने जो यहाँ पर सुशासन और जो सहयोग और जो शांति का जो माहौल बना है उससे उद्योगों का माहौल बनने जा रहा है। यहाँ बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आने की तैयारी में है, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति जो भारत के हैं वो वहाँ उत्तर प्रदेश में जगह जगह अपने सुविधा से अपनी उपयुक्त इंडस्ट्रीज को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही बड़ा उद्योग जो उत्तर प्रदेश को जो है उत्तम प्रदेश बनाने में बहुत मदद मिलेगी। और हम बहुत उम्मीद करते हैं कि हमारे MSME उद्योग को और हमारे छोटे छोटे उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब बड़ी इंडस्ट्री आएगी तो हमें भी अपने जो है छोटी इंडस्ट्री को भी यहाँ फलने फूलने का मौका मिलेगा। ये एक बहुत गौरव का विषय है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश बहुत फले फूलेगा और उत्तम प्रदेश बनेगा। डॉक्टर राजीव कुमार उपाध्याय, निदेशक हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज यहाँ जो फंक्शन हो रहा है ये फेलिसिटेशन का एक आगरा प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने एक फेलिसिटेशन का फंक्शन रखा है, परंतु उससे पूर्व जो ग्लोबल समिट लखनऊ में हो रही है उसका लाइव टेलीकास्ट, जैसा हम लोगों ने सुना, मुकेश अंबानी जी को सुना, अभी आदरणीय राजनाथ जी का वक्तव्य चल रहा है जिसमें अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी भी बोलेंगे, ये यहाँ पे पहले लाइव ट्रांसमिशन हो रहा है और उसके बाद एक फेलिसिटेशन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज का निदेशक होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि आगरा में जो भी इंडस्ट्री लगेगी, जो भी डेवलपमेंट होगा, उसमें शारदा ग्रुप, हिंदुस्तान कॉलेज, आनंद कॉलेज अपना भर। वहीं बांदा से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर पैसे के विवाद को लेकर एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा, फॉरेंसिक टीम, ड्वाग स्क्वाड की टीम और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची है। वहीं पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, साथ ही जो पत्नी है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला शहर कोतवाली अंतर्गत खुटला मोहल्ले का बताया जा रहा है। आज ही थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति के घर में उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। इस बात पर मौके पर पुलिस पहुंची है तो प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से पति द्वारा पैसा मांगने को लेकर आपस में विवाद हुआ था, जिसमें पति द्वारा नाड़ी से उसकी गले को कस करके हत्या कर दी गई है। इसमें फील्ड यूनिट की टीम है, डॉग स्क्वाड है, सभी अधिकारी मौके पर हैं। जो भी साक्ष्य संकलन होगा तदनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतका के पति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। सर, लगभग कितने समय की घटना है ये? लगभग 6 बजे के आसपास की घटना है। वहीं बरेली में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चेकिंग के दौरान राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज के सामने से DPS की स्कूल बस से अवैध स्मैक की तस्करी करने वाले शातिर किस्म के दो अभियुक्तों को कुल 70 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में DPS एक्ट पंजीकृत किया गया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियम अनुसार विधिक कार्रवाई की बात की जा रही है। आज दिनांक 9 फरवरी 2023 को थाना फतेहगंज पश्चिमी स्थित राजर्षि मेडिकल कॉलेज के सामने से एक DPS की स्कूल बस से दो शातिर स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 70 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। इन दोनों स्मैक तस्करों का नाम क्रमशः अनिल कुमार, जिसकी उम्र 49 वर्ष है, एवं शिवम कुमार, जो कि उसी का पुत्र है, जिसकी उम्र 19 वर्ष है, जो ये दोनों तस्कर हैं, ये थाना फतेहगंज पश्चिमी के ही निवासी हैं। NDPS की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इन दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा गया है एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा के हाईवे 24 पर अचानक जाम लगने से लोगों को आने जाने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। थाना डौली क्षेत्र के गांव चौधरपुर से बदनपुर तक जाम देखकर लोग परेशान हो गए। जानकारी के मुताबिक लगभग 12 बजे से अचानक डौली पुलिस ने लखनऊ जाने वाली साइड से ट्रैफिक रोक दिया, जिसकी वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं जल्दी जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। भारी वाहन चालकों ने बताया कि हमें रात 12 बजे के लगभग रोका गया, रोकने की कोई जानकारी नहीं थी, हम लोग रात से भूखे प्यासे रहे हैं। जब पुलिस ने जानकारी चाही तो उनका कहना है कि ऊपर से आदेश है, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। रात से हम माल लेके जा रहे हैं जी बनारस, दवाई लोड है हमारी गाड़ी में, रात के 12 बजे के खड़े हैं जाम में, यहाँ ना खाना है ना पीना है, ठीक है जी। और कई गाड़ियों में तो ऐसा इमरजेंसी टाइम का माल है, कच्चा माल है जो खराब हो रहा है, ठीक है ना जी। बिना वजह से गाड़ियाँ रोक रखी हैं, रात के 12 बजे के परेशान हो रहे हैं, नींदें मर रहे हैं ड्राइवर,
यहाँ कोई और नहीं है, क्यों रोके हुई है, क्या वजह है, क्या दिक्कत है, कुछ करना नहीं है। रात के 12 बजे से परेशान है, यहाँ पे ना खाना है, ना खाना है, ना पानी पिया, गर्मी लग रहा है, परेशान है। ये पता नहीं लगा किस वजह से रोकी है, प्रोग्राम लखनऊ में चल रहा है, परेशानी यहाँ पे दे रहे हैं। तो 12 बजे से रात से रोड बंद कर रखा है सर, घर से रोक रखा था, यहाँ तक आया अभी। तो ये कह रहे हैं कोई आगे मीटिंग चल रही है लखनऊ में, इस चक्कर में ट्रैफिक रोक रखा सर। अब ये कब छूटेगा इसकी कोई समय सीमा नहीं है ना जी, कोई पता नहीं चल रहा क्या है, क्या अभी बात कोई अधिकारी आए, कौन आए, किसने रोका है? हाँ ये अपना साहब लोगों ने रोका है, अपना जिपसे खड़ी थे, जिपसे खड़ी है सर, साहब लोगों ने रोका रास्ते, इन्होंने रोका, बाकी कभी कोई। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलता ही घटनास्थल पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोतवाली भींगा क्षेत्र के कस्बे के शिवाजीपुरम का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।